तुलसी सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी का पौधा अक्सर घर के आंगन में लगा हुआ देखा होगा। अपने डूंगरपुर नगर परिषद ने तुलसी गार्डन बनाया है, जहां बेल्जियम, बद्रीनाथ सहित 18 प्रकार की तुलसियां लगाई गई हैं। वहीं गार्डन में भगवान राधे कृष्ण का मंदिर भी बनवाया गया है। डूंगरपुर शहर के बंदरिया घाट पर नगर परिषद की ओर से तुलसी गार्डन बनाया गया है। गार्डन में कपूर तुलसी, लविंग तुलसी, वन तुलसी, अजवाइन तुलसी, तिलक तुलसी, मरवा श्याम तुलसी, ब्राजीलियन तुलसी और राम तुलसी और श्याम तुलसी की किस्म की लगी हुई हैं। नगर परिषद ने तुलसी गार्डन के लिए बेल्जियम तुलसी के बीज बेल्जियम से मंगवाया है। वहीं बद्रीनाथ से बद्रीनारायण तुलसी के बीज, लौंग तुलसी के केरल से और कपूर तुलसी के बीज बेंगलोर से मंगवाए और इसी प्रकार तुलसी के और भी बीज देश के अलग अलग कोनों से मंगवाए। भंडारिया घाटा में कचरा संग्रहण गृह बना हुआ है, यहाँ पर पूरे शहर का कचरा इकट्ठा होता है, उसी के पास तुलसी गार्डन बनाया गया है। सभापति अमृत कलासुआ ने बताया कि कचरा संग्रहण गृह होने की वजह से यहाँ पर बदबू और नेगेटिव एनर्जी रहती है, इसलिए इस जगह पर पॉजिटिव एनर्जी लाने और आसपास में खुशबू बनाए रखने के लिए तुलसी गार्डन बनाया गया है। पर्यावरण संरक्षक डीपी गोयल ने बताया कि बेल्जियम तुलसी दूसरी तुलसी के मुकाबले आकार में बड़ी होती है। तुलसी के ऊपर नीले रंग का फूल होता है, इसमें सारे गुण होते हैं लेकिन इसमें महक नहीं होती। डीपी गोयल का कहना है कि कहा जाता है कि भगवान विष्णु की तुलसियों से बहुत प्रिय थी। एक दिन सारी तुलसियों ने मिलकर भगवान विष्णु के पास गई और बेल्जियम तुलसी की शिकायत कर दी। दूसरी तुलसियां बोली कि भगवान बेल्जियम तुलसी अपनी खूबसूरती व अपनी महक पर बहुत नाज है और हमारी सारी तुलसियों को ये तुलसी नीचा दिखाने का काम करती है। सुनकर भगवान विष्णु नाराज हो गए और उन्होंने बेल्जियम तुलसी को शाप देते हुए कहा कि तू हमेशा दूसरी तुलसियों से खूबसूरत तो रहेगी लेकिन तुझ में वो महक नहीं रहेगी। इसलिए इस तुलसी को विष्णु श्रापित तुलसी भी कहा जाता है। नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ ने बताया कि तुलसी गार्डन में लगी अलग अलग किस्म की तुलसी को क्षेत्रवासी नगर परिषद अनुमति लेकर तुलसी के पत्ते विधि विधान के लिए ले जा सकते हैं। तुलसी गार्डन और वृंदा, तुलसी को वृंदा भी कहते हैं, वृंदा गार्डन को हमने वहाँ भंडारिया में वहाँ बना रखा है और करीब 20 प्रकार की तुलसियों की प्रजातियाँ वहाँ पे उपलब्ध है, क्योंकि तुलसी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है और मेडिकेटेड प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है उसकी, इसलिए इसको विकसित करने का प्रयास किया गया है और अलग अलग तरह की जो शायद दुर्लभ प्रजातियाँ भी हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए इसका विशेष रूप से हमने उसका विकास किया है।